इनका मैं स्वागत कर रहा हूँ। और क्यों आए अलग बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दिनों से हम मिलना चाहते थे। और बीच में मैंने जैसे कहा कि पूरे देश में से जो प्रमुख नेतागण हैं वो संपर्क करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, मेरी बात हो रही है। और अपने देश को अधिक मजबूत बनाने के लिए हम मिलकर क्या कर सकते हैं, यही हमारे बीच में एक जो विचारधारा कहते हैं वही विचारधारा है कि देश को अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। खैर, मैं तो हमेशा आपके साथ बातें करते रहता हूं, आगे भी करूंगा, लेकिन मैं अरविंद जी को कहूंगा, विनती करता हूं कि अरविंद जी आप आए हो, आप बताइए। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं उद्धव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे, भगवंत मान साहब को, संजय सिंह को, राघव चड्ढा जी को, हम लोगों को अपने निवास स्थान पे चाय पे आमंत्रित किया और उनके साथ काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा हुई। उद्धव जी से मिलने का मेरा बहुत दिनों से मन था, खासकर कोरोना के दिनों में। मुझे याद है कि जब कोरोना पीक पे था उस वक्त हम सब लोग एक दूसरे से सीख रहे थे, और जिस तरह से उद्धव जी ने और उनकी सरकार ने बॉम्बे में और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना को कंट्रोल किया वो बहुत काबिले तारीफ था। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम दिल्ली के लोगों ने बॉम्बे से और महाराष्ट्र से बहुत कुछ सीखा। इनकी कई सारी प्रैक्टिसेस होती थी जो कि बहुत अच्छी थी, जिनको हम दिल्ली में अपनाते थे, दिल्ली में हम उसको लागू करते थे। सो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी इनसे व्यक्तिगत तौर पे मिलने की, और आज मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनसे मिलने का, पूरे परिवार आदित्य जी से मिलने का, पूरे परिवार से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा भी की, आज देश के जो हालात हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज देश का युवा जो है वो बेरोज़गारी से बुरी तरह से त्रस्त है, पढ़ लिख के लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। बड़े बड़े उनसे वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, इतनी महंगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोगों को अपना आमदनी बढ़ नहीं रही है और लोगों का खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि LIC जो है वो LIC भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग, जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी LIC के अंदर जमा कराई थी, उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं है, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। मैं मान साहब से निवेदन करूंगा, वो भी 2 शब्द बोलें। आज उद्धव जी से मिलने का मौका मिला, पूरे परिवार में बैठने का मौका मिला। पंजाब और महाराष्ट्र का बहुत गहरा नाता है। आज़ादी के संग्राम में भगत सिंह पंजाब से थे तो राजगुरु पूना से थे, तो वो इकट्ठे देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो वीर सूरमाओं की भूमि है महाराष्ट्र, और पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, चंद्रशेखर आज़ाद यूपी से, तो सब इकट्ठे होके देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनको कदाचित ये चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या ना, उनको चिंता ये थी कि आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा। तो इस देश की आज़ादी बहुत महंगी मिली है, वो भीख में नहीं मिली, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे जो पुरखे हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं, तो उस आज़ादी को कायम रखना भी हमारा फ़र्ज बनता है। वो तो अपनी कुर्बानियाँ देकर चले गए, हम उस आज़ादी को कायम रखने के लिए भी
पंजाब हमेशा हम बॉर्डर स्टेट हैं, हम हमारे जवान जो है सीना तान के खड़े हैं, तो देश कैसे आगे बढ़े, इस देश को दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनाया जाए, सोने की चिड़िया जो देश को कहा जाता था, उस चिड़िया के पंख किसने नोचे, और उस चिड़िया का जो पूरा मैं कहता हूँ एक एक पंख नोचकर कौन खा गया, और कौन जो है वो इस देश में से लोग भाग रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े करोड़पतियों के नाम भी आ रहे हैं कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। तो हमारा देश हर किस्म का मौसम है, हमारे पास मारुथल है, हमारे पास दरिया है, समुंदर है, कोल है, तेल है, बस सच्ची नीयत वाले लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो इस देश जैसा धरती पे कोई देश नहीं है। तो पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का जो कल्याण कैसे हो, हर घर को, हर घर के चूल्हे को जो है वो आटा मिले, हर घर में आग जले चूल्हे में, रोजगार मिले और तरक्की हो, तंदुरुस्ती हो, इस बात इस इन मुद्दों पे बात हुई और अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर उद्धव जी का और उनकी फैमिली का कि उन्होंने हमें यहाँ बुला के मान सम्मान दिया। आप आते रहिए। इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है, हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चल रहा, 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे। हम देश की सोचते हैं, हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चल रहा, 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे। पार्टी हम चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है। कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा, और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे, क्या सोच? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। मैं क्या बताऊँ, ये तो आप उनसे पूछिए, गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं, हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे, रोज लड़ते हैं। बताओ मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। अरविंद जी, एक सवाल ये था कि विपक्ष के नेता लगातार आरोप कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट्र का सिनेरियो, इस विषय पे आपकी उद्धव जी से कुछ गंभीरता से डिस्कशन हुआ है? देखिए कायर लोग इस्तेमाल करते हैं, ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं, करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई,
आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है, परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्त कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। भगवान मान जी आपसे सवाल है, जिस प्रकार से पंजाब में हिंसा हुई है, नाला पुलिस स्टेशन को जो है वो हटा कर लिया गया, उसके बाद वहां पर पुलिस वालों को भी पीटा गया, एक एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आप लोगों के पास यहाँ गलत सूचनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में कंट्रोल में, पंजाब पुलिस सक्षम है, और पंजाब का जो सोशल बॉन्डिंग है उस पर गोलियां भी चली, 10 साल बम भी फूटे, लेकिन पंजाब का जो भाईचारा है आपस में, वो लोग मिलके रहना पसंद करते हैं, अमन शांति वाला हमारा स्टेट है, और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अब वहाँ पे इन्वेस्ट करने लगी है, क्योंकि पहले किसी खास फैमिली के साथ एमओयू होता था, अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के साथ जो है वो एमओयू हो रहा है। पंजाब को नंबर वन स्टेट हम बनाने में अपनी तरफ से हमारी गारंटी थी, जब अरविंद जी और हम सारी टीम चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हम गारंटियां दे रहे थे, बिजली मुफ्त की गारंटी, कच्चे मुलाजिमों को पक्के करने की गारंटी, रोजगार की गारंटी। तो मैं तो मतलब यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत।